हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी। हेलो, आवाज़ आ रही मेरी? हेलो हाँ जी। आवाज़ हेलो, नहीं आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है जी। हेलो हेलो। दोस्तों, हो सकता है कि आपको भी जो है इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता हो। आप जब किसी को कॉल करते हैं, जहाँ तो वो कॉल बीच में कट जाती है, या सामने से जो आवाज़ है वो अच्छे से नहीं आती, या फिर आपकी आवाज़ है वो अच्छे से जा नहीं पाती। ऐसा अक्सर होता है जब आप जहाँ पे कॉल कर रहे हैं वहाँ पर जो मोबाइल का सिग्नल है वो बहुत कमज़ोर है, या उसकी क्वालिटी ख़राब है। ऐसा अक्सर पाया जाता है कि दूर दराज के इलाके होते हैं, रिमोट एरियाज़ होते हैं, या फिर डीप इंडोर होते हैं, बेसमेंट टाइप के एरिया होते हैं, या फिर जो लोग हैं ऊंची इमारतों में रहते हैं, बहुत ही हाइट पर रहते हैं, उनको ऐसी समस्या का रोज सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप भी ऐसी किसी समस्या का जो है वो सामना कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वाईफाई कॉलिंग आपके लिए एक इसका समाधान हो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वाईफाई कॉलिंग होती क्या है, इसके क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या क्या इसके नेगेटिव पॉइंट है, और इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, सो वीडियो को अंत तक बने रहना। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आमतौर पर क्या होता है, जब हम अपना मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो टावर के साथ है वो कम्युनिकेट करता है रेडियो वेव्स के थ्रू, जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही कहा जाता है। तो जब वो सिग्नल जो है कमज़ोर हो जाता है किसी जगह पे, या फिर उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, उस समय जो मोबाइल है और जो टावर है जहाँ से वो सिग्नल ले रहा है, उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाता। जब हम वाईफाई कॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं, उस समय जो आपका मोबाइल है वो सीधा टावर से कम्युनिकेट नहीं कर रहा होता, जो आपका वाईफाई सिग्नल है उसके थ्रू जो आपकी कॉल है वो हो रही होती है। लेकिन इसके लिए आपको अपने मोबाइल में जो है कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, और ये भी देखना होता है कि आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सिम वाली कंपनी है, कि आपका एरिया है, जो स्टेट है, या फिर जो हम जिसको टेलीकॉम सर्कल कहते हैं, उसमें वो जो सर्विस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। दोस्तों, वाईफाई कॉलिंग भारत में सन 2020 के शुरुआत में ही आ गई थी। अब सोचोगे कि जब अगर कितने पहले आ गई थी, आज इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस समय जो ज़्यादातर मोबाइल थे वो जो वाईफाई कॉलिंग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जो मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर थे, सिम वाली कंपनियाँ थी, वो भी जो हर जगह पर जो वाईफाई कॉलिंग प्रोवाइड नहीं कर रही थी। लेकिन आजकल जो है ज़्यादातर एरिया में जो वाईफाई कॉलिंग की जो सुविधा है वो कंपनियाँ दे रही हैं, और उसके साथ साथ जो मॉडल हैं, जो मोबाइल आ चुके हैं मार्केट में पिछले लगभग 2-2.5 साल में या 3 साल में, वो भी जो वाईफाई कॉलिंग को सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं इसके बारे में जागरूक नहीं हैं, क्योंकि जब ये टेक्नोलॉजी नई नई आई थी उस समय तो इसके बारे में बहुत चर्चा हुई थी, उसके बाद इसका जब दायरा बढ़ा तो, लेकिन लोगों को जो वो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पहुंच पाई। आज भी जो है वो मोबाइल नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। भारत में जो ज़्यादातर मोबाइल सर्विस देने वाली कंपनियाँ हैं, जहाँ सिम वाली कंपनी हम कह देते हैं, उन्होंने अपने सिम के ऊपर जो है जो ज़्यादातर एरियाज़ हैं, स्टेट्स हैं, उनमें वाईफाई कॉलिंग जो है इनेबल कर दी है। अब कौन कौन सी कंपनी की किस किस स्टेट में जो है वो वाईफाई कॉलिंग अवेलेबल है, या फिर वो कौन कौन सा हैंडसेट सपोर्ट करते हैं, इसके लिए जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ पे जाकर उस कंपनी की वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं, आपके पास जिस भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन है, आप जिस स्टेट में रहते हैं या जिस टेलीकॉम सर्कल में आते हैं, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि टेलीकॉम सर्कल और स्टेट में थोड़ा फ़र्क होता है। जिस तरह से पंचकुला सिटी है वो वैसे तो हरियाणा का पार्ट है, लेकिन वो पंजाब टेलीकॉम सर्कल में आती है। इसी तरह से जो है फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, गाज़ियाबाद, ये वाले जो एरिया हैं ये हैं तो हरियाणा या यूपी के, लेकिन जो दिल्ली टेलीकॉम सर्कल में आते हैं, तो उस समय आपको ये देखना होगा जो जिस एरिया में आप रह रहे हैं वो कौन से टेलीकॉम सर्कल में आता है, और उस टेलीकॉम सर्कल में जो है वो कंपनी वाईफाई कॉलिंग की सर्विस दे रही है या नहीं दे रही है। इसी तरह जो आप हैंडसेट सपोर्ट कर रहे हैं वाईफाई कॉलिंग को उस सिम के साथ, वो भी आप उनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें इसके जो फ़ायदे हैं वाईफाई कॉलिंग के, उसमें सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि आपकी जो वॉइस क्वालिटी है कॉल करते समय, चाहे आप वॉइस आपकी जो जा रही है, जहाँ आप जो सुनाई दे रही है, वो बहुत ही बेहतर हो जाती है। क्योंकि इसका इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जब मोबाइल नेटवर्क जो कमज़ोर होता है, तो जो वाईफाई कॉलिंग होती है, वाईफाई कॉलिंग हमेशा HD वॉइस, हाई डेफिनेशन वॉइस के ऊपर होती है, बहुत ही बेहतरीन वॉइस क्वालिटी आपको मिलती है। सबसे जो पहला एडवांटेज है, इसके साथ साथ जो आपके मोबाइल का जो बैटरी बैकअप है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम किसी ऐसी जगह से कॉल करते हैं जहाँ पे मोबाइल का जो टावर है उसे सिग्नल बहुत कम आ रहा है, तो उस समय जो मोबाइल है उसमें भी बहुत ज़्यादा पावर पे रेडिएट करना पड़ता है टावर के साथ जो कम्युनिकेट करने के लिए, उसमें बहुत सारी बैटरी जो है वो लगती है। जब आप वाईफाई कॉलिंग करते हैं तो वो वाली जो समस्या वो नहीं रहती, इस तरह से आपके मोबाइल का जो बैटरी बैकअप है वो भी बहुत बढ़ जाता है।
अगला बेनिफिट दोस्तों इसका ये है कि इसके ऊपर कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं लिए जाते। वाईफाई कॉलिंग के लिए आपको कोई एडिशनल पैक नहीं लेना पड़ता, आपको एडिशनल पैसे नहीं देने पड़ते अपनी जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, सिम वाली कंपनी है। जो आपका एग्जिस्टिंग प्लान है, चाहे वो कोई भी हो, प्रीपेड हो, पोस्ट पेड हो, किसी तरह का भी हो, उसके ऊपर आप जो वाईफाई कॉलिंग कर सकते हैं, बेशर्ते आपके सिम के ऊपर जो कॉल की फैसिलिटी है किसी तरह से बाहर ना की गई हो। वाईफाई कॉलिंग का इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जिस उसी तरह से होता है जिस तरह से आज भी आप अपना किसी का नंबर डायल करते हैं और कॉल लग जाती है, आप फिर बात करते हैं, तो उसी तरह से होता है। इसके लिए आपको कोई भी जो है किसी और एप्लीकेशन डाउनलोड करने का कोई इसमें झंझट नहीं है। इसी तरह से ना तो आपको नए लॉगिन बनाना पड़ता है, जो आपका एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर है उसी पर जो फैसिलिटी चलती है, आपका जो किसी यूज़र का एग्जिस्टिंग नंबर है आप उसी को डायल करते हैं, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो वाईफाई कॉलिंग वो किसी भी जो वाईफाई नेटवर्क है उस पर काम करती है, वो किसी भी कंपनी का हो सकता है कि आपका जो सिम है वही कंपनी का है, लेकिन जो वो आपका जो वाईफाई घर पे लगा हुआ है, ब्रॉडबैंड है, कहीं पे भी जो वाईफाई लगा हुआ है किसी बी सी डी ई कंपनी का है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस समय जो वाईफाई कॉलिंग है वो काम करेगी। इसके साथ साथ जो आप कभी मोबाइल का हॉटस्पॉट बना लेते हैं, उसके साथ अपना मोबाइल कनेक्ट करते हैं, उसके साथ भी ये काम करती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में जो ब्रॉडबैंड नहीं लगा हुआ है, कोई वाईफाई नहीं लगा हुआ है, लेकिन आपके पास दो सिम है, एक सिम ए कंपनी का है, दूसरा सिम जो है बी कंपनी का, दोनों सिम में जो अलग अलग मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं आप, हो सकता है कि जो ए कंपनी का जो सिग्नल है आपके घर पे वो बहुत अच्छा आ रहा है, बी कंपनी का उतना अच्छा नहीं आ रहा है, उस समय आप क्या कर सकते हैं, जो ए कंपनी का मोबाइल है उसको हॉटस्पॉट बना सकते हैं और बी कंपनी के मोबाइल को जो है उस हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके आप वाईफाई कॉलिंग कर सकते हैं। इस तरह से जो बी कंपनी वाला मोबाइल नंबर है आप उस पर भी जो कॉल रिसीव कर सकते हैं, उसे कॉल्स कर सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके साथ साथ दोस्तों जब आप वाईफाई के कवरेज से बाहर जाते हैं तो जो कॉल है आपकी ऑटोमेटिकली जो है मोबाइल नेटवर्क है वो ट्रांसफर हो जाती है, तो ये भी ऑटोमेटिक स्विचिंग होती है, इसके लिए भी आपको कोई स्पेशल सेटिंग नहीं करनी पड़ती बार बार, तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर है अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इनके जो नेगेटिव पॉइंट हैं वो क्या है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी होती है उसके हमेशा कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी को जो अक्सर जब प्रमोट किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को उनकी बात की जाती है, नेगेटिव पॉइंट है जहाँ तो उनके बारे में बात बिल्कुल नहीं की जाती या बहुत ही कम की जाती है। लेकिन दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमेशा जो टेक्नोलॉजी होगी चाहे वो कोई भी हो उसके दोनों पक्ष होते हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, नेगेटिव पॉइंट होते हैं। अगर हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें कि सबसे पहला ये है कि जो वाईफाई की कवरेज होती है बहुत कम होती है। आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में जो वाईफाई अगर कोई लगा है तो एक या दो कमरों में ही उसकी जो है सिग्नल अच्छा रहता है, तो जब तक वाईफाई का सिग्नल अच्छा है तो वाईफाई कॉलिंग बहुत बढ़िया काम करती है, उसके बाहर जाते ही जो मोबाइल नेटवर्क पे जो है आपका फ़ोन चला जाता है। इससे होता क्या है कि अगर आपका एरिया है बहुत बड़ा एरिया जिसमें सिग्नल की प्रॉब्लम है, जिस एरिया में वाईफाई की कवरेज आएगी थोड़े से उसमें तो जो वाईफाई कॉलिंग बहुत बढ़िया होगी, लेकिन जैसे ही आप उस एरिया से बाहर जाएंगे तो आपका जो फ़ोन है या मोबाइल है वो दोबारा टावर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, वहाँ पे सिग्नल की प्रॉब्लम होगी, आपको फेस करनी पड़ेगी। इसलिए जो इसका जो इस्तेमाल है बहुत ही लिमिटेड एरिया में किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपने घर पे ब्रॉडबैंड लगाया है तो आपने देखा होगा कि उसका जो सिग्नल होता है जो आप मोबाइल पे आप सर्च करते हो तो उसमें दो नाम आते हैं, एक तो वो नाम होता है जो आपने वाईफाई को अपने को दे रखा है, दूसरा नाम एक और आता है जिसके पीछे जो है अंडरस्कोर 5G लिखा होता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि शायद जो है 5G टेक्नोलॉजी वाला वो सिग्नल है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो 5G गीगाहर्ट्ज का सिग्नल होता है। जो नॉर्मल आपका एक्सेस पॉइंट रहता है वो जो होता है 2.5 गीगाहर्ट्ज पे रहता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो 5 गीगाहर्ट्ज वाला सिग्नल होगा उसकी रेंज जो है बहुत ही कम होगी दूसरे नॉर्मल वाले जो वाईफाई सिग्नल है उससे। इसलिए जब आपको वाईफाई कॉलिंग करनी हो तो आपका जो मोबाइल है आप जो नॉर्मल वाला आपका सिग्नल आता है अंडरस्कोर 5G वाला वो नहीं, जो दूसरे वाला जिसको आप नाम देते हैं कोई भी अपने वाईफाई को नाम देते हैं उस पर कनेक्ट करें, उसकी जो कवरेज है वो थोड़ी ज़्यादा होगी। अब दोस्तों जो अगला इसका नेगेटिव पॉइंट है कि जो सारे मोबाइल हैं वो वाईफाई कॉलिंग सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर किसी के पास बहुत पुराना स्मार्टफोन है तो हो सकता है कि वो वाईफाई कॉलिंग सपोर्ट ना करे, लेकिन इस चीज़ को आप जो इंटरनेट पर जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मोबाइल भी हैं जो पुराने हैं लेकिन सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने से जो वाईफाई कॉलिंग वो इनेबल हो जाती है। अगला दोस्तों पॉइंट है बहुत ही ध्यान देने योग्य है, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये वाईफाई कॉलिंग फ्री है, आपको जो सिम वाली कंपनी है वो इसके लिए कोई अलग से पैसा चार्ज नहीं करेगी, लेकिन इसके लिए आपका डाटा इस्तेमाल होगा। अब डाटा जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, अगर आप एक मिनट वाईफाई कॉलिंग करते हैं तो आपके वाईफाई का एक लगभग जो 1 MB डाटा इस्तेमाल होगा, तो इस तरह से 1 GB में आप लगभग 16 घंटे बात कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि एक मोबाइल का हॉटस्पॉट लगाकर भी आप वाईफाई कॉलिंग कर सकते हैं, उस समय मान लीजिए आपने ए कंपनी के फ़ोन के ऊपर हॉटस्पॉट बनाया और बी कंपनी का जो सिम है उसके ऊपर जो वाईफाई कॉलिंग कर रहे हैं,
जो ए कंपनी वाली सिम है उसके ऊपर जो डाटा वो इस्तेमाल होगा। अगर आपके पास डाटा प्लान है वो सफिशियंट है कि वो खत्म नहीं होगा वाईफाई कॉलिंग करने से, तो वो चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस पॉइंट का पता होना जरूरी है। अगला नेगेटिव पॉइंट इसका दोस्तों ये है कि अगर आपके वाईफाई जो राउटर है या फिर वाईफाई नेटवर्क है उसमें कोई समस्या आ जाती है तो आपको जो है कॉल में प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर आपके वाईफाई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से आप को जो वाईफाई कॉलिंग करते समय कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस समय अगर आप आपके सिम वाली कंपनी को फ़ोन करेंगे लेकिन वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, तो उस समय जो है आपको अपनी जो ब्रॉडबैंड वाली कंपनी है जो आपको जिससे आपने जो वाईफाई की सर्विस ली है उसको फ़ोन करके अपना वाईफाई ठीक करवाना है ताकि आपकी समस्या ठीक हो पाए। अगर दोस्तों आपके एरिया में जो घर पे सिग्नल मोबाइल में जो आता है वो अच्छा है, वॉइस में आपको कोई दिक्कत नहीं आती, तो उस समय जो है कोशिश करें कि वाईफाई कॉलिंग का इस्तेमाल ना करें तो वो बेहतर होगा। दोस्तों जो पब्लिक हॉटस्पॉट होते हैं वाईफाई के उनके ऊपर जो है वाईफाई कॉलिंग का इस्तेमाल करने को आप अवॉइड करें, क्योंकि पता नहीं है जो वाईफाई कॉलिंग वहाँ पर जो क्वालिटी है वो क्या होगी। अब दोस्तों हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल आए कि अगर मैं अपने मोबाइल का सिम निकाल दूं तो क्या उसके बाद भी जो वाईफाई कॉलिंग इस्तेमाल कर सकता हूं, तो इसका जवाब है नहीं। अगर आपने मोबाइल का सिम निकाल दिया या फिर बिल्कुल भी जो है मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहा है, बिल्कुल नो कवरेज वाला ऊपर मोबाइल के लिख के आ रहा है, तो वाईफाई कॉलिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वाईफाई कॉलिंग का इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा बहुत सिग्नल जो है वो आना जरूरी है मोबाइल पर। अगर आपके मोबाइल के ऊपर जो है नो सिग्नल आ जाता है जहाँ पर आप सिम निकाल देते हो, तो फिर आप वाईफाई कॉलिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब दोस्तों बात ये आती है कि इसकी जो सेटिंग है वो मोबाइल पे कैसे करी जाए। एंड्रॉयड और आईफोन के लिए इन दोनों में सेटिंग इसकी अलग है। एंड्रॉयड फ़ोन जो होते हैं उसमें आप सेटिंग में जा सकते हैं, आगे जाकर नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाएं, और जिस भी सिम के ऊपर आप वाईफाई कॉलिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं उस सिम को सिलेक्ट करें। आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आप वाईफाई कॉलिंग का जो है वो एक टॉगल बटन नज़र आ जाएगा। अब जब अपने मोबाइल को वाईफाई के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो स्टेटस बार है वहाँ वो जो वाईफाई का सिग्नल बना रहता है उसके साथ ही जो है VOWIFI लिखा आ जाएगा, जिसका मतलब वूफी। अब वूफी जो है शॉर्ट टर्म है वाईफाई कॉलिंग की। आईफोन में जो है वाईफाई कॉलिंग की सेटिंग करने के लिए आप मोबाइल की सेटिंग में जाएं, वहाँ पर अगर फ़ोन में जाएं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्क्रॉल करने में वाईफाई कॉलिंग का जो है ऑप्शन नज़र आ जाएगा, उसको इनेबल कर दें तो आपके जो मोबाइल में वाईफाई कॉलिंग इनेबल हो जाएगी। अब दोस्तों अगर आप किसी से फ़ोन पर बात करते हैं उस समय जो वॉइस कॉलिंग में प्रॉब्लम आती है, आपको पता है कि आपकी तरफ नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है, तो जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, अपने और दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल सके, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकें। अगर वो नेटवर्क से रिलेटेड कोई समस्या का जो है वो सामना कर रहे हैं, कम से कम उनकी ज़िंदगी की एक समस्या जो है दूर करने में हेल्प करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।